दोस्तों प्यार, इश्क एंड मोहब्बत वह चीज है जो इंसान को एक बार हो जाए तो उसकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। बट यहाँ तो यार ने ही लूट लिया घर यार का। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था जब क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता वंजारा का अफेयर्स किसी और के साथ चल रहा था, जिससे दिनेश कार्तिक बेखबर थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि दिनेश और उनकी पत्नी निकिता वंजारा बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और दोनों परिवारों को भी कोई आपत्ति नहीं थी और निकिता एंड दिनेश ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। तभी उन दोनों के जीवन में एक विलेन की एंट्री होती है और वह विलेन कोई और नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक के करीबी दोस्त मुरली थे। दिनेश और मुरली काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। मुरली जैसे जैसे कार्तिक से मिलने आते थे, वैसे ही वैसे मुरली को कार्तिक की पत्नी निकिता वंजारा से इश्क होने लगा और इसी दोस्ती के दौरान निकिता और मुरली एक दूसरे के करीब आ गए। जैसे ही कार्तिक को इस बात का पता चला तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह पूरी तरह से बिखर गए। तभी कार्तिक ने साल 2012 में निकिता वंजारा को तलाक दे दिया और उस समय निकिता प्रेग्नेंट भी थी। और तभी साल 2012 में ही निकिता एंड मुरली ने शादी कर ली। दिल को झकझोर करने वाली इस घटना के बाद दिनेश कार्तिक ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्हें स्क्वैश क्वीन दीपिका पल्लिकल से प्यार हुआ और 2015 में दिनेश ने पिछले सारे गम भुलाकर दीपिका से शादी कर ली। और साल 2021 में दीपिका ने दो जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया है। यह तो दोस्तों वही बात हो गई कि यार नहीं लूट लिया घर यार का। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं।